गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। श्रद्धा सुमन अर्पित। भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय नगीना यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर गरीबों में हुआ कंबल वितरण। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर मर्दव ब्लॉक क्षेत्र के बसवारी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमलेश यादव ने अपने पिता भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय नगीना यादव के प्रथम पुण्यतिथि पर 151 गरीब असहाय विकलांग लोगों को कंबल वितरण किया। इनके प्रथम पुण्यतिथि पर ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया इंटरलॉकिंग का खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा द्वारा लोकार्पण भी किया गया। तत्पश्चात भूतपूर्व प्रधान स्वर्गीय नगीना यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए खंड विकास अधिकारी ने कहा कि ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए कि आप सभी लोग अपने माता पिता की यादगार में गरीब असहाय लोगों का सहयोग करें तथा अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमलेश यादव ने कहा कि हमें अपने पिता की पुण्यतिथि पर गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम अपने गांव के गरीब असहाय विकलांग लोगों का श्रद्धा भाव से सहयोग किए हैं और उन सभी लोगों का प्रत्येक साल सहयोग भी करेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने किया। इस मौके पर समस्त ग्राम प्रधान जिसमें अनिल यादव, सुदर्शन यादव, वकील राम, धर्मेंद्र राम, नितेश कुमार, अरुण यादव, इंटू सिंह, साधु खरवार, सर्वानंद सिंह एवं ब्लॉक के कर्मचारियों सहित समस्त पत्रकार लोग मौजूद रहे। आप अपना परिचय बताइए। कमलेश जी, आज पिताजी की पुण्यतिथि है, किस तरीके का आप पुण्यतिथि मनाए हैं? देखिए, ये तो बहुत ही दुख की बात है कि आज हमें अपने पिताजी का पहला पुण्यतिथि मनाने का उस तरह से मौका मिला। ये कह सकते हैं कि एक तरह से अपने पिताजी को याद करने के लिए एक सौभाग्य की भी बात है, क्योंकि ये चीज़ से कोई वंचित नहीं रह सकता है। एक न एक दिन सबको ये पृथ्वी लोग छोड़ के चला ही जाना है, पर समय से पहले जाना ये सबसे बड़ा दुख है हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी ग्राम सभा के मनोबल से, आप सभी साथियों के मनोबल से पुण्यतिथि मनाने का मौका मिला। एक सोच बनी कि कुछ नया करके दिखाया जाए, कुछ नए तरीके से मनाया जाए। लोगों ये को सोच के अच्छा लगा। कंबल वितरण किए हैं आप? हाँ, लोगों को कंबल वितरण सबसे बड़ा मोटिव ये था कि अब प्रयास रहेगा कि लगभग हर साल ग्राम सभा के प्रधान रहे या ना रहे, प्रधान ही कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, ग्राम सभा के प्रधान रहे या ना रहे, हर साल ज्यादा या कम मात्रा में। इस बार सोच ये थी कि ज्यादा से ज्यादा वृद्ध लोगों को कंबल वितरण किया जाए। आगे सोच होगी कि कुछ विकलांग लोगों को, कुछ विधवा लोगों को, कुछ असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा। ये परंपरा चलती रहेगी। अब इसकी संदेश क्या देना चाहेंगे अपने साथी ग्राम प्रधान लोगों को या समस्त क्षेत्रवासियों? संदेश यही देना चाहेंगे कि निष्पक्ष भाव से काम किया जाए और खूब अच्छे से ग्राम सभा के विकास करने में, ग्राम सभा के विकास के लिए तत्पर होकर कार्य किया जाए, यही संदेश देना चाहेंगे। और आगे एक संदेश ये भी देना चाहेंगे कि कुछ तो इन लोगों से ही हमें सोचने को मिला और समझने को मिला कि ये किस तरह का प्रोग्राम कंबल वितरण वाला रखा जाए। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में ये चीजें नहीं है, वो लोग भी ये करें तो अच्छा लगेगा और हमें भी बुलाएं अपने ग्राम सभा में, अच्छा लगेगा। ये बाबूजी की पहली पुण्यतिथि में उपस्थित है, यह बहुत ही नेक कार्य है असहाय की मदद करना। हमारे ग्राम प्रधान मछुआरी इस तरह के कार्य को हमेशा चर्चा हमसे करते रहते हैं और आज इन्होंने इस कड़ाके की ठंड में जो कंबल वितरण का काम किया है, बहुत ही पूर्ण कार्य है। सही मायने में आज सच्ची बाबूजी को श्रद्धांजलि है। हम सभी इस पूरे कार्य के, इस पूरे अवसर पर आने का अवसर मिला, हम सभी ग्राम प्रधान मछुआरी जी इसके लिए आभार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।